नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरा गांव मेरा देश में। आज एक ऐसी विधानसभा जिस पे बात करें तो मंत्री जी भी वहां पर हैं, सुबोध उनियाल जी, जिनका वो क्षेत्र है, नरेंद्र नगर विधानसभा की बात कर रहे हैं। आज देखेंगे कि किस तरह से मेरा गांव मेरे देश में हमने जिस तरह के मुद्दे उठाए। कल हम गए थे हरिद्वार विधानसभा, जहाँ की समस्याएँ इतनी ज़्यादा थी कि 1 किलोमीटर की दूरी पर हमने देखा कि रोडों की व्यवस्था इतनी बढ़िया कि जहाँ दावे बढ़ती है सरकार कि 2 घंटे में आप दिल्ली पहुँच सकते हैं और आधा घंटे में आप देहरादून, पर वहीं से आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे सड़क पर पशु चलते हुए नज़र आए और सड़क की हालत बड़ी ख़राब। तो ये था विधानसभा का हाल। आज हम आ पहुँचे हैं नरेंद्र नगर विधानसभा में। नरेंद्र नगर विधानसभा में और ऐसे गाँव में जिस गाँव का नाम है लवा, और लवा विधानसभा में वहाँ की हालत जानेंगे वहीं के प्रधान जी से। प्रधान जी बताएंगे कि वहाँ की हालत किस तरह से है और क्या गांव के स्कूल, गांव में नल, सड़क, इन सब पे क्या काम हुआ है। तो हमारा कार्यक्रम करने का मकसद जो है, सीधा सा मकसद ये है कि जो लोगों की बात हम सीधा पहुँचाएँ, कि जो प्रवक्ता जो बात करते हैं उस प्रवक्ता इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे विधानसभा में सब कुछ ठीक चल रहा है। पर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुभाष गौड़ जी। सुभाष गौड़ जी भी पूरे 70 विधानसभा में घूमे हैं अभी और देखा है इन्होंने कि किस तरह से इस टाइम रैलियों का दौर है। और अनिल जी से हम उनके पूरे गाँव की बात रखेंगे, वो कि किस तरह से गाँव की स्थिति है और गाँव में क्या वादे किए गए थे, क्या वो पूरे हुए नहीं हुए। कोरोना काल पे जो राशन बांटा गया था, क्या वो गांव वालों तक मिला। पलायन के ऊपर जो बात होनी चाहिए थी, क्या वो हुआ नहीं हुआ। इन सभी के ऊपर, सबके ऊपर हम बात करेंगे। तो सभी गेस्ट को मैं आमंत्रित करूंगा। सभी गेस्ट को एक बार आप स्क्रीन पे ले लीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि सड़क किस तरह से, नरेंद्र नगर की कहानी अगर हम बात करें, नरेंद्र नगर ऋषिकेश से मात्र 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और वहाँ से शुरू होता है पूरा टिहरी गढ़वाल। वैसे ऋषिकेश से ही स्टार्ट हो जाता है विधानसभा, पर कुछ क्षेत्र उसका आता है। असली टिहरी देखने को मिलेगा जहाँ हम आज आ पहुँचे हैं, कि ये हैं टिहरी के लोग। और जिस तरह का चित्र आप देख रहे हैं, ये घर घर नल की जो योजना है, घर घर नल तो लग गए पर जल कहाँ है ये भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि पन्नी बंदी भी है, स्कूल की हालत जर्जर है। तो इस तरह के जो समस्याएं हैं गांव में वो देखने को मिली हैं, पर फिर भी हमारे नेता कहते हैं सब ठीक है। तो दोनों गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। सुभाष जी, आपका भी स्वागत। तो अनिल जी, ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप अपने गांव की बात जो है अपने मुख्यमंत्री तक पहुँचा सकते हैं, कि किस तरह की समस्याओं को आपको झेलना पड़ा कोरोना टाइम पे भी और अभी भी, किस तरह की योजनाएं आपके गांव में पहुँची नहीं पहुँची। अब तो वैसे कहा जाए तो आपके गांव का MLA तो मंत्री है और सबसे ताकतवर मंत्री है, तो क्या योजना मंत्री ही ताकतवर हुआ है या गांव भी कहीं उसमें उस गांव की ताकत भी बड़ी है। मैं सबसे पहले आपका चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूं। और जहां तक विकास की बात है और मंत्री जी की बात है, हमारे क्षेत्र में, हमारी ग्राम सभा में जी, मैंने आपको वीडियो भी भेजे थे जी, ये हर घर जल, हर घर नल तो लग गया, पर जल नहीं आया नलों पे अभी। और जो हमारे सड़कों की व्यवस्था है, डामरीकरण बिल्कुल नहीं हुआ अभी तक, रास्ते बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रखे हैं, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूरी में 100 किलोमीटर दूर कमरा करके रिस्क में रहना पड़ रहा है। तो अनिल जी, आप गांव के प्रधान भी हैं,
आप जब कोरोना टाइम पे लोग काफी वापस आए थे गांव में जी, तो आपने क्या कोशिश करी उनको समझाने की कि गांव में वापस आओ बसो, क्योंकि कई लोग गांव के जो हैं, जो हमारे गांवों की स्थिति है कि वहां के बच्चे 10,000 रुपये की नौकरी करने के लिए कहीं चंडीगढ़ में या दिल्ली में जाके रह रहे हैं। जी, क्या हम 10,000 रुपये की व्यवस्था हम अपने गांव में नहीं कर सकते? 10 की क्या 5 की भी व्यवस्था हो जाए तो शायद वो लोग रुक जाएं। सरकार, सबसे पहले मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि गांव में जो समस्याएं हैं, जैसे कोरोना काल पे जब कोरोना काल आया था और प्रधानों को फ्रंट वाइज बनाया था गांव में, हमने क्वारंटीन सेंटर बनाए और उनको वहाँ क्वारंटीन किया 14 दिन तक, उसके बाद उनको घर भेजा। अरे हमारे यहाँ रोजगार की कोई साधन नहीं थे, मजबूरी में 2-3 महीने रह के घर पे, फिर वो अपनी 10,000 की नौकरी के लिए बाहर चले गए। तो आप उनको रोक नहीं पाए? रोक नहीं पाए सर। अभी जनसंख्या कितनी होगी हमारे गांव की, वहाँ पर अगर हम बात जाने, कितने लोगों के परिवार पहले बसते थे और आज की अगर हम स्थिति देखें तो कितने लोग हैं वहाँ पर? पहले सर हमारे गांव में कम से कम 500 परिवार से ऊपर परिवार थे। आज की डेट में सारे पलायन हो चुका है और सभी लोग अपने गांव छोड़ के चले गए। कितने रोजगार के लिए? कितने परिवार वहाँ होंगे आज? आज की डेट में वहाँ पे परिवार कम 150 परिवार से ज्यादा नहीं है, 50% से ज्यादा पलायन हो चुका है हमारे। 150 परिवार ज्यादा होंगे, वो भी 150 परिवारों में मैं समझता हूँ कि बुजुर्ग ही वहाँ पर रह रहे होंगे गाँव में। सिर्फ बुजुर्ग और हमारे दादी है सिर्फ गांव में। हाँ। और बाकी और कोई घर में नहीं है, कोई गांव में नहीं। नौजवान के नाम पे कोई गांव में नहीं मिलेगा? नौजवान के नाम पे कोई नहीं है गांव में। अच्छा, जो जो छोटी जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनका अभी 2 साल में स्कूल बंद रहे, तो क्या व्यवस्था रही उनकी पढ़ने की? सर हमारे यहाँ सबसे पहले नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है और ऑनलाइन क्लास जैसे चली तो किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, बेरोजगार है सभी लोग गांव में। और 2-3 साल तक जो चला ये कोरोना काल, स्कूलों की व्यवस्था बिल्कुल, पढ़ाई ठप हो गई, बच्चे तो भूल गए इस पे जाना। तो कोई मतलब उनके ऑनलाइन एजुकेशन को लेके अगर बात करें तो ऑनलाइन भी ठीक से नहीं चला? ऑनलाइन ठीक से नहीं चल पाया सर, हमारे यहाँ नेटवर्किंग सही नहीं है, नेटवर्क का इशू है। फिर स्मार्टफोन नहीं है, कई समस्या है गांव में ना। प्रधान जी, एक मेरा सवाल था आपसे। हाँ, ये सुभाष जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। प्रधान जी, आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है अपने गांव को सुंदर करने की, सुधारने की और सभी व्यवस्था बनाने की, लेकिन आप प्रधान थे और कोरोना काल में जब बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता थी, तो क्या आपने ब्लॉक स्तर पर बात नहीं की? ब्लॉक में बात करते आप, जिला पंचायत में अपनी बात रखते, वहां आपने बात नहीं रखी? ये मान सकते हैं कि मंत्री आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं सुबोध उनियाल जी, वो बड़े मंत्री हैं प्रदेश में, उनसे मुलाकात करना संभव नहीं था, लेकिन क्या पंचायत में तो इन मुद्दों को उठाया जा सकता था? सर हमने पंचायत में सोशल डिस्टेंस के द्वारा मीटिंगें भी करवाई और अपने पंचायत में ब्लॉक तक पहुंचाया, पर कोई नहीं, मंत्री जी तो हमारे कोरोना काल में हमारे क्षेत्र में आए ही नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम सभी लोगों को हालचाल पूछने तो आ जाते। तो मतलब पंचायत लेवल पे आपने इस बात को भी उठाया पर आपका कुछ समाधान निकला नहीं? नहीं निकला सर। सुभाष जी, जब आप उत्तराखंड के दौरे पे थे पूरा, तो आपने किस तरह का उत्तराखंड देखा? जो जो आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस जो दावे भर रही है, क्या वो आपको उत्तराखंड दिखाई दिया या इनके चश्मे हटा के आपको कुछ और ही उत्तराखंड दिखाई दिया? सर जिस तरीके से हम लगातार अगर कहें तो उत्तराखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग पहुंचे और एक बड़ी चीज ये है कि हम एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे, हम उन लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे जिन लोगों से कोई सरोकार नहीं रखता, खास तौर से नेता तो बिल्कुल नहीं रखते, बल्कि और कहीं टीवी जर्नलिज्म की अगर बात की जाए तो कोई चैनल उन लोगों के मुद्दे नहीं उठाता था। हम उन क्षेत्रों तक गए, हम उस दूर दराज के गांवों तक गए जहां आज तक जैसे कि प्रधान जी बता रहे थे कि नेटवर्क की व्यवस्था बेहतर नहीं, और ये हमने खुद महसूस की जब हम लोग वहां पहुंचे कवरेज की, तो जो हमारी व्यवस्थाएं थी नेटवर्क की वो हमको भी नजर आई कि जब हम लोगों की जो बेहतर सुविधा हम लोग देहरादून या नोएडा से लेके गए थे वो भी वहाँ काम नहीं कर रहे थे, तो जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ रहे होंगे।
तो जैसे प्रधान जी का जो सवाल था कि नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या उनके गांव में होती है, और केवल उनके गांव में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में जो भी जिले हैं पर्वतीय जिले, उन तमाम जिलों में यही परेशानी है, उन तमाम गांवों में यही परेशानी है। हाँ, केवल जो ब्लॉक स्तर के हैं, यानी कि जो ब्लॉक है मुख्यालय जिसे कहा जाता है पहाड़ों में कि जिला मुख्यालय, उसमें व्यवस्था थोड़ी सुधरी है, लेकिन पहाड़ के जो गांव, जो दूर दराज के गांव हैं जहां सड़कें नहीं हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, जहां रोजगार नहीं है, उन क्षेत्रों के स्कूल और उन क्षेत्रों के गांव आज भी वैसे ही हैं जो पहले हुआ करते थे। जर्जर स्थिति में तमाम चीजें, और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जरूर कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक, जैसा कि आपने सवाल पूछा कि जो राजनीतिक दल हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और भी कई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आते हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि उन लोगों को सबसे पहले उन तस्वीरों को देखना चाहिए, उन स्थितियों को सुधारना चाहिए था, उसके बाद वो राजनीति में आने की बात करें। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके के सपने उत्तराखंड में दिखा रही है कि वो फ्री बिजली देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको पहले पहाड़ के उन गाँव में जाना चाहिए जहाँ आज बच्चों को पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ रहा है, नदी पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है, और उसके बाद वो शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन कोरोना काल के समय में एक नेटवर्क ना होने की वजह से पिछले लगभग दो सालों से वो लोग पढ़ नहीं पाए, उनको शिक्षा नहीं मिल पाई, और लगातार जिस तरीके से हमारा ये कार्यक्रम चलता है गाँव को लेकर, तो इसमें आपने देखा होगा पिछले दिनों भी लगातार कई लोग इस तरीके की समस्या लेकर आए कि नेटवर्क की सबसे ज्यादा समस्या देखने को गई। लेकिन इसके साथ ही रोजगार, जैसे आपने पहला सवाल किया था कि जो लोग पलायन कर चुके हैं और कोरोना काल में घर लौटे थे, सरकार को जरूरत थी उन लोगों को वहीं रोकने की, और खासतौर से क्योंकि आज नरेंद्र नगर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं और वहां के लोगों से हम उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल ये भी है कि जब मंत्री कृषि मंत्री हैं, वो चाहते तो वहाँ कृषि के क्षेत्र में कुछ विकास कार्य करते ताकि वो जो युवा थे वो पहाड़ों में रुकते, वहीं उन्हें रोजगार मिलता, और जब युवा पहाड़ों में रुकेंगे तो मैं मान सकता हूँ कि उस क्षेत्र का डेवलपमेंट पक्का होना जरूरी है, और ऐसे में डेवलपमेंट होता है जब युवा वहाँ ठहरता है, रोजगार लोगों को मिलता है, तो सारी सुख सुविधा भी वहाँ जरूर बढ़ती है। जी जी अनिल जी, आपने सुना सुभाष जी को, सुभाष जी पूरे उत्तराखंड में आपके हर क्षेत्र में, हर तरह, चाहे टिहरी हो, पौड़ी हो, आपका कुमाऊं हो, हर जगह घूम रहे हैं। हर जगह की समस्याएं लगभग एक जैसी, थोड़ी सी बोली भाषा में जरूर अंतर हो जाता है पर समस्याएं एक जैसी हैं सभी जगह। पर हमारे यहाँ आजकल माहौल क्या है पहाड़ों में, माहौल इलेक्शन के टाइम पर माहौल कुछ अलग हो जाता है, किस तरह के नेता बयानबाजी कर रहे हैं और क्या वादे नए कर रहे हैं, किन की बातों से प्रभावित हो रहे हैं हमारे गांव के लोग, कुछ किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जब चुनाव आता है और उस समय सारे नेता चुनाव अपने चुनाव जीतने के लिए सब हथकंडे अपनाते हैं और हमारे गांव में बुजुर्गों के पांव पकड़ते हैं, सब कुछ बोलते हैं, पर चार साल जो जब चुनाव हो जाता है, जब एक साल बाद फिर चार साल गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, हमारे विधानसभा नरेंद्र नगर विधानसभा से हमारा सौभाग्य था, हमारा टिहरी से हमारे मंत्री बने हमारे विधानसभा से, पर हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। जबकि जो मेरी जानकारी है कि कोटेश्वर इतना बड़ा वह है वहाँ पर, जो भव्य मंदिर है वहाँ पे, है ना, वहाँ तक अभी उन्होंने रोड नहीं पहुँचा पाई सर, वहाँ तक बताओ, कोटेश्वर तक रोड भी नहीं पहुँची, जबकि डैम का विकास हो रहा है वहाँ पर, जैसे डैम का कारोबार चल रहा है वहाँ पे, टीएडी अगर हमने हमारे मंत्री जी चाहते तो टीएडी के माध्यम से वहाँ पे रोड का डामरीकरण और कटिंग करवा सकते थे, सिर्फ 2 किलोमीटर है। अच्छा ये बताइए, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, हॉस्पिटल वगैरह की क्या स्थिति है, डॉक्टर्स की क्या है, या फिर वही झोला छाप डॉक्टर ही वहाँ पर कारगर है? स्वास्थ्य की आप बिल्कुल, स्वास्थ्य तो बिल्कुल नील है सर, अगर रात में किसी के या दिन में किसी के पेट में दर्द हो गया तो हमें मजबूरन 100 किलोमीटर दूर रिस्क केस भागना पड़ता है, अगर रास्ते में कोई कुछ घटना हो गई तो उसका सारे सिरे सरकार को जाता है। सरकार यहाँ, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहाँ पे ब्लड टेस्ट हो जाए या किसी का हाथ, सरकारी अस्पताल चाका जो जगह है वहाँ पर एक सरकारी अस्पताल है, शायद सरकारी अस्पताल तो है, उसमें डॉक्टर अटैचमेंट है, डॉक्टर देर दून में शिफ्ट है। अच्छा, चाका में कोई डॉक्टर ही नहीं है? चाका में कोई डॉक्टर ही नहीं है, यहाँ पे एक फार्मासिस्ट है,
अरे एक फोर्थ क्लास वाले बस दो ही लोग चला रहे हैं वहाँ पे पूरा चाका हॉस्पिटल। चाका जो बाजार है ये कितने गांवों को जोड़ता है? ये 37 ग्राम सभा को जोड़ता है, 37। ये हमारा 37 पीली पालकोट दो पट्टी है, दो पट्टियों को जोड़ता है सेंटर चाका। अरे यहाँ एक की अगर टोटल पार्कशिप जनसंख्या देखेंगे, टोटल जनसंख्या कई हजारों में होगी कम से कम, यहाँ पर कम से कम चार पांच कई हजार हजारों में यहाँ की जनसंख्या है, हजारों की जनसंख्या के लोगों को एक फार्मासिस्ट के हवाले छोड़ रखा है। एक फार्मेसिस्ट अगर के हवाले सरकार बहुत बड़ा। सरकार चाहती तो उसी उसी हॉस्पिटल में कम से कम दो तीन डॉक्टरों की व्यवस्था तो कर सकती थी। हाँ अच्छा, और कोई वहां पे अगर हमारा कोई गर्भवती महिला रात में अगर कोई परेशानी हो जाए तो उसके लिए क्या इलाज है वहां पर? जहाँ कोई गर्भवती महिला अगर कोई जैसे पेट में पेन वगैरह हो गए उनको ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हमें उनके उन्हें अपनी गाड़ी में या किसी दूसरे के अन्य की गाड़ी में ऋषिकेश केस ले जाना पड़ता है, या एम्बुलेंस भी कम से कम 2 घंटे में आती है सर कोर्ट से, हमारे ब्लॉक मुख्यालय से आती है एम्बुलेंस 108। कभी हम 108 के लिए फोन करते हैं वो बोलते हमारा टायर पंचर है, गाड़ी ब्रेक डाउन है, तब हम अपनी गाड़ी में मजबूरन होके ले जाना पड़ता है और हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है ऋषिकेश में। अगर रास्ते में कोई घटना हो गई इसके जिम्मेदार पूरी सरकार की नहीं, वो रहेगी। तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। कोई अस्पताल नहीं है, स्कूलों की हालत आपने बताई दी है कि 2 साल से स्कूल बच्चे स्कूल जाना भी भूल चुके हैं, ऑनलाइन उनकी एजुकेशन चल नहीं रही है। सड़क के हाल एक बारी मैं पीसीआर से बोलूँगा, एक बार सड़क के हाल दोबारा से दिखाएं जरा, किस तरह के सड़क की सड़क के बुरी हालत हाल हैं, बताइए। है ना? तो ये कुछ इस तरह की सड़क, ये सड़क के हाल हैं। सड़कों में हमारे बिल्कुल डामरीकरण नहीं हुआ, जब से हमारे विधानसभा मंत्री जी बने तब से, अगर चाहते तो हमारे चाका देवी भरपूर मोटर मार्ग के नाम से सड़क है और वो 5-5 ही किलोमीटर कटिंग हो चुकी है उसमें। अरे पहले बार उसमें डामरीकरण हाथ से किया था उन्होंने, दोबारा उसमें डामरीकरण नहीं हो पाए, उसी समय तो उखड़ गया था सारा। प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ नहीं मिला गांव को? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मैंने अपने ग्राम सभा से प्रस्ताव रखा था ब्लॉक में, हमें उस चीज का लाभ नहीं मिल पाया अभी तक कोई लाभ नहीं मिल हमारी। पाया। जी, नहीं मात्र 5 किलोमीटर है हमारे यहाँ सड़क डामरीकरण के लिए, अगर हमारे मंत्री जी चाहते तो 5 किलोमीटर डामरीकरण करवा सकते थे। 5 किलोमीटर की सड़क का डामीकरण नहीं हो रहा है। जी चलिए, अनिल जी, कृषि कृषि के लिए क्या बड़ा किया कृषि है आपके कृषि क्षेत्र कृषि में, क्योंकि सब कृषि मंत्री मंत्री जी तो भी कृषि हैं। के हैं हमारे, और उन्होंने बोर्ड लगाए हैं बहुत बड़े बड़े कि कृषि में नंबर 1, और अपने गांव को भूल गए क्या? अरे कृषि में नंबर 1 तो बोर्डो में हो रहा है भाई जी। हमने अपने यहाँ पे पोले हाउस के लिए 4-5 पोले हाउस के लिए अप्लाई मैंने करवाया था, मैं खुद उस पोले हाउसों की फीस जो सिक्योरिटी थी उसमें 12% जमा कराने के लिए उद्यान टेयरी में गया था। 12,190 रुपये मैं जमा करा के, मेरे पास उनकी रसीद भी है। अरे वहाँ पे पूरी नेतागिरी चल रही है कि जब मंत्री जी आएंगे तो मंत्री जी के हाथों से हम आपका वो कटवाएंगे, और हमने ट्रैक्टर बुक करवाए थे, ट्रैक्टर बुक करवाए थे, और हमने इस समय हमें ट्रैक्टर चाहिए थे, हमने ट्रैक्टर की धनराशि भी जमा कर चुके हैं विभाग में, और ट्रैक्टर हमें तब मिलेगा जब मंत्री जी अपने रेवन काटेंगे, अतः अब हमें क्या जरूरत है, हमने तो अब अपने बैलों से जैसे करके हालत को लगा ही लिया, अब तो सुभाष क्या जी, करना पड़ेगा ये कौन ट्रैक्टर से उत्तराखंड की बात हो रही है जहाँ पर, जहाँ ये कृषि नंबर 1 की बात कर रहे हैं? ये कौन से उत्तराखंड, ये कोई और उत्तराखंड बन गया है क्या? कौन सर। से लगता तो बिल्कुल ऐसी है कि ये कोई दूसरा उत्तराखंड है जहाँ की बात राज्य सरकार कर रही है कि कृषि में नंबर 1 है, क्योंकि हमने देखा जब हम हरसिल पहुंचे थे तो, क्योंकि सेब की खेती बहुत बेहतर होती है हरसिल में, और कहा जाता है हरसिल का जो सेब है वो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन उत्तराखंड सरकार के पास पेटी देने के लिए उन हरसिल के किसानों को नहीं है जो अपने सेब की ब्रांडिंग कर सके कि उत्तराखंड का सेब है, वो लोग हिमाचल के नाम पर अपना सेब बेचते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति उत्तराखंड में कृषि की है। लेकिन क्योंकि ये तो कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी के क्षेत्र की बात है कि वहां के क्षेत्र के लोगों को पॉली हाउस के लिए रिबन कटवाने की आवश्यकता पड़ रही है, प्रचार सरकार करना चाहती है कि लोगों को काम मिले ना मिले, लेकिन जब वो रिबन काटेंगे, जब उनकी फोटो लगे, जब उनका प्रचार होगा, तभी लोगों को कृषि में बेहतर जो चीजें वो मांगते हैं, चाहे वो बीज हो, ट्रैक्टर हो, पॉली हाउस हो, तभी मिल पाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए, और क्योंकि कागजों में बेहतर प्रदेश बताने के लिए, बेहतर कृषि क्षेत्र बताने के लिए राज्य सरकार इस समय काम करती हुई नजर आ रही है, जैसे कि अनिल कुमार जी भी बता रहे हैं। अनिल जी, जब आपके गांव में अब की बारी आपके एमएलए मंत्री वोट मांगने के लिए आए, तो आपका क्या प्रश्न होगा उनसे? किस तरह के आप, आपकी नाराजगी किस तरह से व्यक्त करेंगे आप?
हमारी नाराजगी जब हमारे चेहरा में हमारा सौभाग्य था कि जब हमारे पूरी टीम में हमारे नयनगर से कैबिनेट मंत्री बने थे, हमें उसी समय सौभाग्य प्राप्त हुआ था। चलो हमारे क्षेत्र में चलो कृषि मंत्रालय मिल गए, कृषि से तो कम से कम हम मजबूत हो जाते, कृषि से हम मजबूत नहीं हो पाए। देखो मैं सच्ची सत्य कह रहा हूँ, मैं हमने पोलिया 4-5 पोलिया उसके लिए मैंने पैसा कटवा रखा है उद्यान विभाग में, वो पैसा जमा मेरे पास रसीद भी है पूरी बिल्कुल। अभी अभी कम से कम पोलिया हाउस नहीं लग पाई हमारे, अरे हमारे यहाँ पे सिंचाई विभाग की गूल है, उस गूल का कम से कम 2 साल से पहले किसी ठेकेदार के नाम से टेंडर हुआ था और हमारे सारे खेत बंजर पड़ चुके हैं। और उसमें भी मैंने बीडीसी में भी मुद्दा उठाया कि हमारे इस ठेकेदार के नाम से टेंडर काट दो, किसी दूसरे के नाम से टेंडर कर दो। अरे उसी नहर के चक्कर में हमारे सारे खेत बंजर हो चुके हैं, हमारे पास पानी होने के बावजूद भी हमारी नहर नहीं बन पाई। अच्छा, ये घर घर जो पानी की बात आई, जो घर घर नल नल सबके घर पे लग गए हैं गांव में? नल तो सबके घर पे लग गए पर पानी किसी के घर पे नहीं है। पानी की क्या क्या अभी आश्वासन क्या है? ये नल तो आप ही ने लगाए होंगे, आधार कार्ड लेके तो जब आप नल लगा रहे थे तो आपने पूछा नहीं पानी कब आएगा गाँव में? सर जब ये जल मिशन की समिति बनी थी हमें तो इन्होंने उसमें अध्यक्ष प्रधान को अध्यक्ष बना दिया, अगर फंसने की नौ बताएगी तो प्रधान फंसेगा, अध्यक्ष तो समिति में प्रधान को बना दिया, वहाँ उन्होंने ठेकेदार को टेंडर दे दिया, ठेकेदार काम कर रहा है, ठेकेदार वैसे काम करके वैसे हल्का फुल्का काम करके चला गया, नल तो उसने लगा दिया, पानी हमारे घर में 2 साल हो गए, हमारे गाँव में पानी नहीं आया अभी। 2 साल से पानी नहीं है? 2 साल से पहले नल बिछा चुके हैं और पानी नहीं आ पाया हमारे नलों में। तो अनिल जी आज भी गांव की महिलाएं, गांव की बहनें सब पानी लेने के लिए दूर दराज पैदल ही जा रही हैं। आज के लिए आज की महिलाएं आज हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पानी की समस्या के लिए पानी के लिए दूर से सर में लेके आना पड़ रहा है उनको पानी, इतनी मजबूर हो रखी महिलाएं। आज भी वो सेरा पानी से ही पानी आ रहा होगा? आज ही सेरा पानी से अलावा पानी से पानी आ रहा है सर में रखे। बड़े बड़े दुखद, मतलब 2021 में हम बैठे हैं और 2021 में हमारा गांव जिससे हमारा देश बनता है, और गांव में ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो गांव में रहती थी, वो भी वहां से पलायन कर गई। पलायन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, घर घर नल की योजना थी, नल लग गया, पानी नहीं आया, तो उनका कहना था कि घर घर नल, पर पानी नहीं लिखा था ना, हर घर नल जल पल ये कुछ नहीं हुआ। स्कूल की व्यवस्था खराब, सड़क की व्यवस्था खराब, पलायन है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। अनिल जी कुछ कह रहे थे, यही कारण है सर। मैं ये बोला था उन्होंने योजना बनाई हर हर घर जल हर घर नल, पर ये ऐसी योजना बन गई कि हर घर नल और कहीं कहीं जल, कहीं कहीं जल। बिल्कुल अनिल जी, पीड़ा समझ रहे हैं हम आपकी, और हम इसको आगे रखेंगे भी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं, आज हम शाम को इसको हम डिबेट में लेंगे इसको, और आपकी आपकी पूरी बात आपके मंत्री जी तक भी पहुंचाएंगे। तो इसी ये थे हमारे साथ अनिल जी और सुभाष जी, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड की बात करी और अपने गांव की बात करी। पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि समझा नहीं पा रहे हैं कि किस किस पॉइंट पर हम काम करें, किस पॉइंट से हम इनको बात करें, क्योंकि सारी योजनाएँ जितनी योजनाएँ सरकार ने कहा कि हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको स्वास्थ्य देंगे, हम आपको सड़क देंगे, हम आपको घर घर में नल देंगे, पानी देंगे, इस पे किसी पे भी कोई काम नहीं हुआ। सभी पलायन अपनी जगह चलता जा रहा है, जहाँ 500-600 परिवार थे आज वहाँ 150 से भी कम आबादी है, और 150 परिवार की बात करें तो सिर्फ बुज़ुर्ग ही गांव में बचे हैं। तो ये थी उत्तराखंड के एक विधानसभा की बात लवा गाँव से। कल फिर किसी और गांव से मुलाकात होगी, समस्याएं ली जाएंगी और आगे रखी जाएंगी। इसी तरह से हमारा ये प्रयास चलता रहेगा। आप लोगों से अपील है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी शिकायतें इस पर दर्ज करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आपकी बात आगे तक पहुंचा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।